प्यारे बच्चों, आज मैं आपके बीच एक बहुत ही बेहतरीन कविता हरवंश राय जी बच्चन जी की, हरवंश राय बच्चन जी की बहुत ही बेहतरीन कविता, उसको लेके मैं उपस्थित हुआ हूँ। बच्चों, हरवंश राय बच्चन जी इतनी बेहतरीन कविता लिखते थे जिसको समझना बहुत ही, आप ये समझें कि आपको उसमें थोड़ा सा यदि दिमाग लगाएं तो आपको लगेगा कि बहुत ही बेहतरीन कविता वो लिखते रहे। आज उनकी हम एक बहुत ही बेहतरीन कविता जो हमारे 7 नंबर उस सभी में पढ़ाई जाती है, आ रही रवि की सवारी। कितनी प्यारी बात है, माने रवि को भगवान सूर्य को उन्होंने राजा बताया इस कविता में, कि एक राजा जब आता है तो देखो क्या क्या होता है, आप समझो और मेरे साथ इसको गाओ। आ रही रव की सवारी, नव किरण का रथ सजा है, कल कुसुम से पथ सजा है, बादलों से अनचरों ने स्वर्ण की पोशाक धारी। आ रही रव की सवारी, वो कहना चाह रहे हैं कि भगवान उदय के लिए तैयार हैं, उनकी सवारी आ रही है, तो उनकी जब सवारी आएगी तो आप आगे देखें वो क्या बता रहे हैं। विहंग बंदी और चारण गा रहे हैं कीर्ति गायन, छोड़कर मैदान भागी तारकों की फौज सारी। आ रही रवि की सवारी, जैसे राजा जब आता था ना, तो जो बंदीगण थे, जो चारण थे, जो भाट, जो उनको बजा बजा के राजा का यशगान करते थे, उस तरीके से जैसे ही सूर्य का आगमन होता है तो सारे तारे मैदान छोड़कर भाग जाते हैं और सूर्य भगवान प्रकट हो जाते हैं राजा की तरह। चाहता हूँ उछलूं विजय कह, पर ठिठकता देख कर यह, रात का राजा खड़ा है राह में बनकर भिखारी। आ रही रब की सवारी, जैसे रात का राजा है वो बेचारा एकदम झुका खड़ा है क्योंकि रात जाने वाली है, अब हमारे सूर्य भगवान का उदय होने वाला है, वो राजा की तरह आ रहे हैं। प्यारे बच्चों, ऐसी कविताओं से तुम्हारे मन में जोश जगेगा। इन कविताओं को, जो नेचर संबंधित कविताएं हैं, इन्हें जरूर पढ़ा करो, नेचर के साथ जोड़ो, अच्छे पेड़ पौधे लगाओ, अपना वातावरण स्वच्छ करो। आगे आने वाले समय में आपको इस धरती पर रहना है, हम जैसे चले जाएंगे जैसे भी हैं, लेकिन आपको पूरे समय रहना है। इसलिए हमारा आपसे अनुरोध है कि आप पूरी तरीके से पोल्यूशन को ख़त्म करो और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ। और मैं आपसे और एक अनुरोध करूँगा कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाओ, जो ये कम से कम देख के उनके अंदर भी एक ऊर्जा पैदा हो। धन्यवाद।